हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिंदी में अ आ छोटाई और बड़ाई सीखा था। आज हम हिंदी में स्वर छोटा उ, बड़ा उ और री सीखेंगे, पर उससे पहले एक कविता गाएंगे। हाथी राजा कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले? मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले? मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। मेरे घर पे आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर चटर पटर। ये है छोटा ऊ। ऊ के लिए इंग्लिश में यू लिखा जाता है। उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे उल्लू। उल्लू कहाँ है? ये रहा। उसे उंगली, उंगली कहाँ है? ये रही। उसे उत्तर, उत्तर कहाँ है? ये रहा। उत्तर मतलब दिशा। कौन सी दिशा? नॉर्थ दिशा। उसे उल्टा, ये बच्चा चित्र में उल्टा दिखाई दे रहा है। ये है बड़ा। बड़ा ऊ के लिए इंग्लिश में डबल ओ यूज होता है। उसे ऊन, उसे ऊन, उसे ऊन। उसे ऊपर, चित्र में ये बच्चा ऊपर की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे ऊन, ये रहा ऊन। उसे ऊन, ऊंट कहाँ है? ये रहा। उसे उसर, उसर का चित्र कहाँ है? ये रहा। ये है री। री के लिए इंग्लिश में आर आई यूज होगा। इसे गुजराती में हम रू बोलते हैं और हिंदी में होगा री। री से ऋषि, री से ऋषि, री से थैंक यू।